इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और स्वामी रामदेव को आप सुन रहे थे। इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, बहुत दुख की खबर है। लगातार जब सायरा बानो उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दे रही थी तो हर उस फैन के दिल में यही उम्मीद थी, जैसे कि सायरा बानो कर भी रही थी, कि आप दिलीप जी को अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिए, जल्द बेहतर होगा, सब कुछ ठीक होगा। हालांकि नियति को हम बदल नहीं सकते, कुदरत का ये नियम है, लेकिन फिर भी ये जो हुआ है उस पर विश्वास करना मुश्किल है। बेहद दुखद है ज्योत्सना। ये लगातार पिछले 10 दिनों से वो हिंदुजा हॉस्पिटल में दिलीप साहब एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था। 2400 घंटे सायरा बानो उनके साथ साये की तरह से थी और रोजाना एक अपडेट जो होता था हेल्थ को लेकर, दुआओं के लिए वो अपील करती थी कि आप अपील कीजिए, दुआ कीजिए ताकि दिलीप साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन शायद कुछ और ही ऊपर वाले को था कि 98 साल की उम्र में आज सुबह 7:30 बजे करीबन उनका निधन हो गया और उसकी वजह से यहाँ पर अब हलचल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ज्योत्सना, हम आपको दिखाएं, यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच चुकी है अच्छी खासी संख्या में। जैसे ये खबर कंफर्म हुई, फैमिली की तरफ से ये खबर आई कि जो है उनका दुखद निधन हो गया दिलीप कुमार साहब का, पुलिस यहां पर पहुंच गई है, आला अधिकारी यहां पर पुलिस के पहुंच गए हैं। मीडिया के लिए भी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किया है, क्योंकि जैसे जैसे ही अभी ये खबर फैलती जाएगी उनके जो फैंस है वो अंदेशा जताया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो भी यहां पर हिंदुजा हॉस्पिटल में पहुंचेंगी, उसके अलावा फैंस भी भारी संख्या में यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब पिछली बार वो सांस लेने की दिक्कत की वजह से इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे मई के महीने में, तब भी उस समय अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर जो फैंस थे वो आया करते थे और घंटों यहाँ पर खड़े होकर बस यही दुआ करते थे कि जो दिलीप साहब हैं उनकी तबीयत जल्द से जल्द सही हो जाए, वो बाहर आ जाए। और लोगों की दुआएं काम भी आई, वो डिस्चार्ज भी हुए, लेकिन फिर 3 से 4 दिन में वापस से उनको वही सेम प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। लंग्स में पानी भर गया, सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें यहाँ हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और लगातार जो डॉक्टर की टीम थी जो उनका इलाज कर रही थी, जलील पारकर जो उनके फैमिली डॉक्टर थे वो निगरानी कर रहे थे, सारा ट्रीटमेंट उनकी निगरानी में हो रहा था। लेकिन आज अचानक से, क्योंकि वो पिछले 36 घंटे से बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर पे उनको रख दिया गया था, हालांकि उससे पहले उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया था क्योंकि सेहत में काफी तेजी से सुधार आ रहा था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी और उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया और आज सुबह करीबन 7:30 बजे उनका दुखद निधन हो गया। तो काफी ज्यादा दुख का इस समय माहौल है, एक तरह से कहें एक दुख का पहाड़ फैमिली के साथ। उनके जो फैंस है, करोड़ों फैंस है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में उनके जो फैंस है, उनके जो ऊपर एक कहर सा टूट गया है दिलीप साहब के निधन के बाद। एक के बाद एक ट्विटर पे भी जो शोक का एक अपनी जो व्यथा है वो शोक की वो प्रकट करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हों, चाहे जो जानी मानी हस्तियां हों, राजनेता हों, उन लोगों ने अपने दुख प्रकट करने शुरू कर दिए। मनोज वाजपेयी का ट्वीट आ चुका, सोनू सूद का ट्वीट आ चुका, क्योंकि एक एरा थे ज्योत्सना, दिलीप को साहब एक एरा के तौर पे, एक युग के तौर पे माने जाते हैं, जो बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियां हैं जो उनको इंस्पिरेशन देते हैं अभी भी, और आने वाला जो ये जनरेशन है उन्हें भी इंस्पिरेशन उनसे मिलता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा युग जो सबसे बड़े पहले करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि कोरोना के जैसे काफी सारे प्रोटोकॉल हैं, तो उसको किस तरह से अभी मैनेज किया जा रहा है और क्या शेड्यूल रहने वाला है? जी देखिए अमित, अभी फिलहाल फैमिली की तरफ से जो अंतिम दर्शन का है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी कोई भी फैमिली का जो मेंबर है वो फोन पर ज्यादा जानकारी देने की हालत में नहीं है। सायरा बानो को भी हमने कॉल करने की कोशिश की लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, और फैमिली में जो उनके भतीजे हैं उनसे भी हमने जब बात करनी चाहिए रिनान अहमद से, तो उनका भी कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि उन्होंने सिर्फ इतना कंफर्म किया कि इनका दुखद निधन हो चुका है, लेकिन अभी शेड्यूल क्या होगा, किस तरीके से फैन या जो उनके फैमिली वाले हैं या जो बाकी लोग हैं वो किस तरीके से अंतिम दर्शन कर सकते हैं, उसके शेड्यूल के बारे में अभी नहीं बताया गया है। लेकिन अगले कुछ घंटों में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कहां इनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, कहां इनके शव को दफनाया जाएगा, या फैंस को दर्शन के लिए या अंतिम दर्शन के लिए कहीं पर रखा जाएगा। कुछ देर में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी अमित। बिल्कुल, और आपसे अपडेट के लिए हम वापस आपका रुख करते रहेंगे अतुल। अब आपको दिलीप कुमार की एक बहुत ही फेमस फिल्म जो 1984 में आई थी, मशाल, का वो डायलॉग सुनाते हैं जो दर्शकों को बहुत भाया था और बहुत फेमस भी हुआ था।
कितनी संजीदगी के साथ, कितनी गहराई के साथ वो अपने किरदार में डूब जाते थे कि पता ही नहीं चलता था अमित कि ये किसी फिल्म का सीन है। अब हम उनकी फिल्मों के कुछ यादगार गीत आपको सुनाते हैं। तो ऐसे ना जाने कितने लाखों ऐसे नगमे हैं जो आपको याद आएंगे जब आप दिलीप साहब को याद करेंगे, इसी तरह के उनके हिट गाने। हमारे साथ इस वक्त जाने माने अभिनेता सुरेश ओबेरॉय जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, दिलीप साहब का चले जाना एक बहुत ही सुनापन खालीपन छोड़ जाता है, खासतौर पे आपकी इंडस्ट्री से, क्योंकि आते हैं वो। आप किस तरह से याद करते हैं और आपकी कुछ यादें अगर हमारे साथ शेयर करें, आपकी मुलाकातें हुई होंगी, आपने कुछ बातें की होंगी। जी, बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन इंसान खो दिया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि वो जो पहले एक्टर थे जिन्होंने हम सबको नेचुरल एक्टिंग, जो मेथड एक्टिंग फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सिखाते हैं, वो तब से नेचुरल एक्टर थे, कभी उन्होंने थिएट्रिकल किस्म की एक्टिंग नहीं की थी। कई एक्टर उनको कॉपी करते थे और करते हैं आज भी, और इतने महान कलाकार को खोया। सबसे पहले मैंने उनको, उनके साथ फिल्म की थी सिर्फ एक, दिलीप कुमार साहब का नाम सुन के, सुभाष घई की फिल्म की थी विदाता। मैंने कहा एक भी सीन होगा दिलीप साहब के साथ है तो उनके बेटे का रोल था दिलीप साहब से, तो मेरी तमन्ना थी कि दिलीप कुमार साहब से काम करूं, लेकिन और इतना मैं लकी था कि बी आर चोपड़ा जी ने मुझे मेन रोल दिया था मजदूर में, ऑपोजिट दिलीप कुमार साहब एज अ विलन। वो मैंने मालिक का रोल किया था मजदूर का, बहुत ही बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, बहुत ही अच्छी मेमोरीज रही। और यहाँ तो सिर्फ बात करने का उनका अंदाज, और उनको देखते देखते ही आदमी खो जाता था, इतनी मैग्नेटिक एक पर्सनैलिटी, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, कमाल है। मैं कुछ चंद एक्टरों में से उनके पांव छूता था मैं, सिर्फ वहां सब जहां भी मिलते थे जाके पांव पड़ के आशीर्वाद लेता था। बिल्कुल सुरेश जी, बहुत ही मीठी और प्यारी यादें हैं आपकी दिलीप जी के साथ। इस वक्त हमारे साथ जावेद अख्तर साहब जुड़ चुके हैं। जावेद जी, दिलीप जी के चले जाने से एक शून्य महसूस होता है अब फिल्म इंडस्ट्री में, आप क्या उनके साथ अपनी कुछ यादें, कुछ बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी यादें हैं उनके साथ, कई पिक्चर में काम किया है, लेकिन उसके बारे में मैं लिखूंगा अभी। इस वक्त तो सारी जी के छोटे छोटे पैसे सुनाने का वक्त नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ बातें सच्ची नहीं रहती। जो भी जाता है हम कहते हैं केरा खत्म हो गया एक इंस्टीट्यूशन पे, मगर ये बातें दिलीप साहब के लिए बिल्कुल सच है। दिलीप साहब एक एरा के फाउंडर थे और अपने अंदर वाकई एक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने जो सब ये 1944 में उनकी पहली पिक्चर आई है हिंदुस्तान में, चौकी फिल्म शायद 1933 या 34 में पहली बार बनी, यानी चौकी के 10 बरस में वो फिल्मों में आ गए, और उस वक्त सब चीजें नई नई चल रही थी। एक्टिंग का पूरा स्टाइल जो है वो थिएटर से लिया गया, इसलिए हेलो जी, जी जी आवाज आ रही है जावेद साहब आपकी? जी जी जी, तो जो स्टाइल एक्टिंग का था वो थिएटर से लिया गया था। दिलीप साहब पहले एक्टर थे जिन्होंने पूरा एक्टिंग के स्टाइल को ही चेंज कर दिया, और ये कहते ना कि वो इंसान जिसने पहिया इन्वेंट किया जी, हम नहीं जानते किसने किया, लेकिन पहिया आज हमारी हर गाड़ी में है, पहिए के बिना कुछ नहीं चल सकता, लेकिन बनाया किसने था ये हमें नहीं मालूम। वैसे ही दिलीप साहब ने जो एक्टिंग का स्टाइल शुरू किया वो आज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और आज इतने वर्षों के बाद 60 साल के 70 साल के बाद भी जो एक्टर्स है वो उस स्टाइल को, उस तरीके को इस्तेमाल करते हैं बिना जाने कि ये पहिया बनाया किसने था जी। लेकिन वो अपनी तरह के पहले एक्टर थे दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान दुनिया में। उसके बाद उस स्टाइल के एक्टर दूसरे मुल्कों में भी आए, अमेरिका में भी आए, इंग्लैंड में भी, लेकिन ये बाद में आए। दिलीप कुमार मैथड स्कूल ऑफ एक्टिंग के पहले एक्टर थे दुनिया में, तो ये बातें लोगों को पता नहीं है। शायद यही वजह कि दिलीप साहब को
हर कोई मिस ने भी दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि किस तरह से दिलीप साहब का जाना हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं शून्य छोड़ गया है। लेकिन जावेद साहब आपने उनके लिए शायद एक फिल्म लिखी थी अगर मैं गलत ना हूं तो शक्ति। नहीं हमने शक्ति भी लिखी थी मैंने। हाँ लेकिन शक्ति में मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके सामने अमिताभ बच्चन हो आपके सामने दिलीप कुमार हो आप आखिरकार आपने किस तरह से कैरेक्टर को लिखा था क्योंकि दोनों ही उस वक्त अपने वक्त के बहुत ही जबरदस्त एक्टर थे। हाँ लेकिन जाहिर है कि दिलीप साहब अमिताभ बच्चन से बहुत बिल्कुल क्लियर थे और अमिताभ बच्चन ने कभी ये बात छुपाई नहीं है, हमेशा कहते हैं कि मैं तो भाई उनका एडमायरर हूँ और मैंने उनसे सीखा है, ये भी कहते हैं। तो और वो जिस अमिताभ एक बहुत अच्छे ऐसे घराने से वास्ता रखते हैं जहाँ बहुत सभ्यता कल्चर छोटे बड़े की इज्जत का ख्याल, तो वो हमेशा दिलीप साहब से वैसे ही मिलते थे जैसे एक छोटा अपने बड़े से मिलता है, तो उसमें कोई ईगो क्लैश और कोई इस तरह की बात का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि दोनों ही लोग बहुत ही कल्चर और बहुत ही तहजीब के लोग थे, तो वहां पर कोई इस तरह की अनप्लेजेंटनेस या कोई पल को भी कोई ऑकवर्ड मूवमेंट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अच्छा लेकिन सर ये बताइए कि क्रांति में किस तरह से आपने कैरेक्टर्स को संभाला था। जावेद अख्तर साहब को सुन रहे थे आप, इस वक्त हमारे साथ मधुर भंडारकर जुड़ चुके हैं। मधुर जी हम लगातार कह रहे हैं कि दिलीप जी के जाने का गम इतना बड़ा है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक खालीपन पैदा हो गया है, आप कैसे दिलीप जी को अपनी यादों में स्मृतियों में याद रखेंगे। तो लगातार हमारे साथ फिल्मी जगत की हस्तियां जुड़ रही हैं जो दिलीप साहब के साथ जुड़े अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं, किस तरह का व्यक्तित्व था उनका, जब सेट पर आते थे तो कैसा माहौल रहता था, कैसे काम करना वो अपने को-स्टार्स के लिए आसान था। को-स्टार्स का आप जिक्र कर रहे हैं लेकिन आप याद रखिएगा कि देखिए मल्टी स्टारर फिल्म जो होती है उसमें काम करना और अपने आप को अलग सबके सामने पेश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिलीप साहब जब 80s में आए यानी 80s में जब उन्होंने फिल्म करना शुरू किया तो उस वक्त दौर चल रहा था अमिताभ बच्चन का चल रहा था दौर, और फिल्मों में अमिताभ बच्चन नजर आते थे या शशि कपूर नजर आते थे, लेकिन उस दौर में जब उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्में की चाहे वो शक्ति हो क्रांति हो, लेकिन दिलीप साहब ने अपने आप को इतने बखूबी पेश किया कि उनका जो कैरेक्टर था भले ही वो हीरो नहीं थे लेकिन वो हीरो के तौर पर नजर आते थे। बिल्कुल और बिल्कुल सही बात अमित आपने कही है, हमारे सहयोगी अतुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल लगातार आप अस्पताल हिंदुजा अस्पताल के बाहर से वहां की तमाम अपडेट हमें दे रहे हैं, फिलहाल क्या जानकारी है, क्या ऐसी भी कोई खबर है कि दिलीप साहब से मिलने के लिए फिल्मी जगत से जुड़ी कुछ हस्तियां वहां पहुंच रही हैं। जी देखिए अभी तक तो कोई फिल्मी हस्ती यहां पर पहुंचा नहीं है क्योंकि कोरोना का समय है, हो सकता है जैसे समय आगे जाएगा 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर लोग आने शुरू होंगे, लेकिन जो यहां पर जिस जगह खार में यह हॉस्पिटल बना हुआ है यहां पर आसपास जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे करके आने शुरू हो गए हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं वो कि जानना चाहते हैं कि दिलीप साहब का कब निधन हुआ, सारी डिटेल्स वो पूछ रहे हैं, ये भी जानना चाह रहे थे कि जो है कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें अंतिम दर्शन करना है तो क्या जो है उसके नियम है, क्या जो है कायदे होंगे, तो उसके बारे में भी लोग जानकारी लेने के लिए पहुंचने शुरू हो गए क्योंकि मीडिया में खबर फैलने के बाद अब धीरे धीरे जो है लोगों का भी आना शुरू हो गया है, फैंस यहां पर आने शुरू हो गए जिसकी वजह से पुलिस ने भी यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है, हालांकि भीड़ यहां पर कोई लगाने की किसी को इजाजत नहीं है क्योंकि कोरोना का समय है, नियम जो है को फॉलो करना है कोरोना के, ऐसे में सिर्फ लोग आ रहे हैं और पूछताछ करके जा रहे हैं, शायद जैसे जैसे समय आगे जोशना बढ़ेगा जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं वो भी पहुंचना शुरू कर देंगी। फिलहाल सायरा बानू अभी अकेले हॉस्पिटल में ही है, दिलीप साहब के साथ में ही है, फैमिली वाले भी अभी धीरे धीरे करके आने शुरू हो जाएंगे और जो हलचल है वो यहां पर बढ़ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर अजीत साहब को रोकना चाहते हैं हमारे साथ इस वक्त हेमा मालिनी जी जुड़ गए हैं। हेमा मालिनी जी दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रहे, आपकी क्या यादें हैं दिलीप साहब के साथ वो हमारे साथ आप साझा करिए प्लीज। बस उनकी यादें तो पूरा वर्ल्ड जानता है, सच अ ग्रेट एक्टर जैसा दिलीप कुमार, राज कपूर एंड देव साहब ऑल थ्री वर द पिलर्स ऑफ अवर फिल्म इंडस्ट्री ना, तो ये सबके साथ काम करने का अवसर मिला, इनके साथ भी किया मैंने, दिलीप साहब के साथ भी क्रांति पिक्चर की थी जी, उसके अलावा एक टीवी सीरियल सहरा जी बना रही थी उसमें उन्होंने ही डायरेक्शन किया, तो मेरे घर में आके काफी अच्छा कुछ बता रहे थे ना, it was very nice to work under his direction just for 1 or 2 days, bada acha laga।
He was a very friendly person, very nice person. He used to tell अपना पुराने उस जमाने के शूटिंग के दौरान जो जो हुआ वो सब किस्सा सुनाते थे. बड़ा अच्छा लगता था सुनने को. हेमा जी, सारी दुनिया आपकी फैन है. सारी दुनिया आपकी फैन है. आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप उनको पसंद करती थी दिलीप साहब को, आपने जो क्रांति फिल्म की थी, दिलीप साहब को हम जानते हैं कि ट्रेजेडी किंग के तौर पर स्क्रीन पर देखते हैं तो बहुत गंभीर रूप में देखा, लेकिन जब पर्सनली ऑफ द कैमरा आप लोग जाते थे तो वो किस तरह के व्यक्ति थे? क्या वो मुस्कुराते थे, क्या कुछ मजाक करते थे या गंभीर रहते थे? मेरा उनके साथ क्रांति फिल्म शूटिंग में सिर्फ एक दो सीन था, ज्यादा नहीं था. तो आई कांट टॉक मच अबाउट दैट, बट आई एम सेइंग दैट जब वो सैरव बानू जी ने एक सीरियल बनाई थी डांसर्स के ऊपर, उसमें दिलीप साहब ने पूरा डायरेक्शन किया जी. तो ही केम एंड ही द वे ही वाज नैरेटिंग एंड दैट इज हाउ आई गॉट मोर क्लोज एंड इंटरेक्टेड विद हिम. एंड ही वाज वेरी वेरी स्वीट एंड डाउन टू अर्थ. And he many times he expressed that we should work together in a movie, you know. जी. जो बनाए नहीं कोई ऐसा proposal ठीक से हुआ ही नहीं. मैम एक चीज मैं आपसे जानना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो जैसे धर्म जी हैं, धर्म जी भी बहुत पसंद करते रहे हैं दिलीप साहब को, कई बार उन्होंने बोला. Very very fond of him. जी. तो आप लोगों के बीच अगर कभी बातचीत होती थी, दिलीप साहब को कोई फिल्म आप लोगों ने देख लिया आपने और धर्म जी ने, तो किस तरह की बातें करते हैं धर्म जी जब दिलीप जी के बारे में बात करते हैं? तो धर्म जी तो उनको पूरा absolutely a hero for him. In fact, I think he learned a lot from his performance. Unse seekhe, because un dinon mein acting school to nahi, so all the actors, jo aspiring actors hote hain, wo unko copy karte hain. They try to copy and learn from them, you know, how to act every scene. So he was very, very fond of him. And I loved his film Ganga Jamuna and Ram aur Shyam. जी. These two films I loved like anything of Dilip Saab. हेमा जी, हम जब भी किसी कलाकार के काम को देखते हैं या उनके पूरी एक जर्नी को देखते हैं, क्योंकि आप खुद कलाकार हैं, आप खुद अभिनेत्री हैं, लगातार काम करते रहना कितना महत्वपूर्ण होता है और उस काम के साथ साथ अपनी एक छवि को बनाए रखना, जब आप दिलीप जी को याद करती हैं या उनके इस पूरे करियर ग्राफ को देखती हैं, आप किस तरीके से देखती हैं? He had his own style of acting. वो हमेशा उन्होंने maintain किया. Whether it is a comedy scene हो या कोई tragic scenes है, everything he performed in his own style. That nobody and many actors after that, उनके बाद आने वाले जितने भी actor, काफी उनका follow किया. This I will say. So he had his own style which he maintained till the last. तो मैम एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि दिलीप साहब तो कह रहे, हमने उनको देखा कि 80s में तो वो तो काफी सीरियस रोल करते थे, लेकिन जो उनकी रोमांटिक फिल्में रही होंगी 40s में 50s में, जब आप लोग एंट्री कर रही थी फिल्म इंडस्ट्री में, उस दौरान जो एक्ट्रेसेस होती थी, क्या वो बात करती थी कि उनके लुक्स के बारे में कि, और या फिर उनको पसंद करती थी, क्या हार्ट थ्रॉप हुआ करते थे वो एक्ट्रेसेस के बीच में? ये सब मुझे See, we as a newcomers, when we come, we are more busy concentrating on our work. जी. ये सब सुनने को तो नहीं मिलता है. And I started working with Dilip Saab also, Raj Kapoor ji also. But Dilip Saab ka mera reh gaya. As a heroine, I could not work with him. जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी. हमालिनी जी ने हमारे साथ शेयर की कि उनकी जो यादें थी, और खास तौर पे उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने क्रांति फिल्म में काम किया था, और इंटरेस्टिंग बात ये बताया कि धर्म जी जो हैं वो दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन हैं और उनको वो हीरो मानते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि उनको आइडल मान के उन्होंने फिल्मों में एक शुरुआत की थी धर्म साहब ने. बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. और जिस फिल्म का जिक्र हेमा मालिनी जी ने किया क्रांति फिल्म का, मुझे तो उसका एक सीन भी याद आता है. वही कुछ ऐसे सीन थे जिसमें हेमा जी ने और दिलीप साहब ने साथ साथ काम किया था, जिसका जिक्र भी हेमा जी कह रही थी. हम आपको साल 1993 को रिलीज हुई दिलीप कुमार की क्लासिक फिल्म फुटपाथ का एक डायलॉग सुनाते हैं. ये फिल्म आज भी कितनी रेलिवेंट है, इस डायलॉग और इस डायलॉग की डिलीवरी जिस तरीके से दिलीप साहब ने की, आप उसे देख के समझ के ये समझ पाएंगे कि आज की इसकी रिलेवेंस क्या है. हर इंसान का यह अधिकार है कि वो एक आराम और एक चैन और एक सुकून की जिंदगी वो जीना चाहता है, लेकिन यह मुमकिन होता नहीं है.
और आज की तारीख में भी जब इस डायलॉग को आप सुनते हैं, समझते हैं, तो भ्रष्टाचार पर ये प्रहार करता है। ये प्रहार करता है कि कैसे जो अमीर है वो अपने आप को और अमीर बनाता जाता है, अपने रसूख को और बढ़ाता जाता है, और जो गरीब है वो और पिसता चला जाता है। जब मैं ये डायलॉग सुन रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ कवि कुमार विश्वास साहब जुड़े हुए हैं। विश्वास जी, मेरे तो जुबान लड़खड़ा जाती है ये बोलते हुए कि कैसे उस राइटर ने ऐसे शब्दों को ढाला और कैसे उसकी डायलॉग डिलीवरी, वो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, लेकिन आज भी कितना अंदर तक, भीतर तक वो चुभता है। देखिए मीनाक्षी, ये क्या है कि इन दिनों, ये पिछले 70 के बाद के दशक में भारत में ना प्रतिमाओं के छोटे होने का वक्त था, जब बड़े बड़े लोगों को छोटापन होते हुए देखा, और ये आज भी जारी है। जब कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में जो मानक बनाता है आदमी, वो कुछ दिन में एक्सपोज हो जाता है, पता चलता है कि हम जो सोच रहे थे वो वैसा नहीं है। दलीप साहब जैसे लोग धन्य हैं जिन्होंने इतने वर्ष, 70 वर्ष तक जो मानक बनाया भारतीय जनता के, भारतीय जनमानस के, और न केवल भारत बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में, वो जौका क्यों बना रहा। उन्होंने जो ग्रेस, जो गांधीर्य जो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया अभिनेता के तौर पर और व्यक्तिगत एक मनुष्य के तौर पर, वो अद्भुत है। वो सच्चे भारत रत्न है। उन्हें पाकिस्तान ने ऐवान पाक दिया, लेकिन अगर मेरे जैसा आदमी हो तो वो सच्चे भारत रत्नों में है। यूसुफ खान और दिलीप कुमार के बीच इस देश की जनता ने कभी अंतर नहीं किया। जब उन्होंने कहा शंकर मेरे कब दोगे दर्शन, तो लोगों ने उसी तरीके से अनुभव किया। पहुंचा हूं वहां जहां दूर नहीं भगवान भी मेरी निगाहों से, जब उन्होंने गाया तो लगा कि एक शंकर का भक्त गा रहा है। उन्होंने जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी, संवाद की अदायगी पैदा की, आज तक भी हिंदुस्तान के अभिनेता और नायक महानायक उसे कॉपी करते हैं। हमारे दौर के सबसे रोमांटिक हीरोज में से एक शाहरुख खान साहब उसी तरह बालों में हाथ डाल के पीछे की तरफ आगे मुस्कुराते रहे, जैसे दिलीप कुमार साहब ने अपनी फिल्मों, शुरुआती फिल्मों में कर दिया। जो गोपी में उन्होंने जेस्चर दिया, वो गोविंदा और तमाम जो कॉमिक हीरोज थे हमारे, वो उससे कॉपी करते रहे। और हम जैसे लोगों के लिए तो ये निजी रूप से बड़ी क्षति मीनाक्षी इसलिए है कि बहुत सारे लोग, और आप जैसे साथी जानते हैं, कि वे उर्दू अदब के और हिंदी कविता के बहुत बड़े संरक्षक और बहुत बड़े शौकीन और बहुत बड़े प्रशंसक व्यक्ति थे। फैज जब हिंदुस्तान आए थे तो बंबई में फैज का जो सम्मान है, जलसा है, वो उन्होंने ही सबसे पहले कराया था। और उन्होंने अपनी डायरी निकालकर फैज साहब से कहा कि मेरी ये डायरी शुरू हो रही है, इस पर अपना आशीर्वाद लिख दीजिए, अपना ऑटोग्राफ कर दीजिए। फैज ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि भारत जा रहे हो, वहां से कुछ मत लाना, यूसुफ साहब का ऑटोग्राफ ले आना। तो फैज ने लौट के कहा, जब बेटी ने पूछा, बोले बेटा मैं भूल गया, क्योंकि वो मेरा ऑटोग्राफ लेने लगे। तो एक ऐसा आदमी जिस ग्रेस के साथ जिया, जिसे ना कि जिस धज के साथ आया, उस धज के साथ वो जा रहा है। आज जब राजनीतिक रूप से बड़ा चहल पहल वाला दिन है, 25-30 लोग तुरंत भारतीय राजनीति के रंगमंच की शोभा बनने के लिए तत्पर हैं, नामों के कयास चल रहे हैं, ऐसे समय में आप सुबह सुबह सोशल मीडिया खोलिए, लोगों से बात करिए, जनता को देखिए, तो जनता के मन में एक बड़ा आदर भरा हुआ, आदरांजलि का भाव है उस नायक के लिए, जिसने भारत को इतने प्रकार के सपने दिए, इतने प्रकार के किरदार दिए, डायलॉग दिए, गाने दिए, वचन दिए, और एक बड़ी गंभीरता भरी जिंदगी बिताकर उसने भारत से विदा ली। आपने बिल्कुल अपने लफ्जों में दिलीप साहब की जिंदगी, उनके कैरेक्टर, उनके स्ट्रेचर को ऐसे समेटा है कि अब मेरे पास कोई शायद सवाल ही बाकी नहीं रहा। कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, और आज लगातार हम दिलीप साहब की वो शानदार फिल्में, वो शानदार डायलॉग, उनसे जुड़े हुए जो लोग रहे, उनकी यादें, वो संस्मरण सब एक एक कर आपके सामने रखते चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।